हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज का टॉपिक है अलार्म रिमूव कैसे अलार्म रिमूव कैसे करें। तो फ्रेंड्स, मेरे पास यह है सैमसंग का फ़ोन। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। तो कैसे अलार्म हटाएंगे वो बताऊँगी। मेरे फ़ोन में अलार्म सेट है, कैसे हटाएंगे बताऊंगी। आप सैमसंग में किसी भी डिवाइस में अलार्म हटा सकते हैं, क्योंकि सैमसंग के डिवाइस में सेम क्लॉक होता है, सेम सेटिंग होती है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको ओपन करना है क्लॉक, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पे किसी पे भी हो आप, तो यहाँ पे जाना आपको अलार्म पर। इसके बाद आपको देखने को मिलता है अलार्म सेट हो रखा है। अगर आपको अलार्म बंद करके रखना है तो कर सकते हैं यहाँ से, तो आप ये अलार्म नहीं बजेगा। ये ऑल अलार्म आर ऑफ, ये ऑफ हो चुका है। ऑफ हो चुका मतलब अलार्म सेट तो है लेकिन ये ऑफ है। इसको ऑन कर देंगे तो आपका अलार्म बजेगा। अगर आपको अलार्म डिलीट नहीं करना है तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। और डिलीट करने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है, क्लिक टच करके रखना है स्क्रीन को, मतलब इसी पर टच करके रखना है। फिर यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन आता है, तो आपका जो अलार्म है वो डिलीट हो जाता है। और फ्रेंड्स, आई होप आपको अलार्म हटाना आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।